दोस्तों, हम किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जो सच्चाई रहता है हम उसको आप सबको बताते हैं। आप सबको बुरा लगता है तो हम क्या करें, लेकिन हमारे कहने का मतलब है किसी भी बात को पहले सुनिए, उसको गौर से, उसके बाद से तर्क वितर्क करिए, तब जाके मानिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती अच्छे होंगे। क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए खलीलाबाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, तो उनके जो मालिक हैं वो अपने वाइफ के लिए कपड़ा मंगवा रहे हैं। बोले हैं उधर कपड़ा अच्छा मिलता है तो लेके आना। तो मेरे हस्बैंड बोले हैं लेडीज़ के पसंद लेडीज़ ही जानेंगी, तो आप मेरे साथ चलिए पसंद करने के लिए कपड़ा। तो हम जाएंगे उनके साथ। हम तो रेडी हो गए, अभी मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए मेरा मतलब है किसी, मतलब हमारा कहना भी आप लोग के लिए कुछ बुरा नहीं है। हम किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं। आप सबको बुरा लगता है तो क्या करें, जो सच्चाई रहता वही हम बताते हैं। आप सब पहले कुछ भी देखने से पहले मान लीजिए, सॉरी, अगर वीडियो देखते हैं तो उसको तर्क वितर्क करिए, उसके बाद गौर उस पर कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। उसके पास पहले तर्क वितर्क कर करके तब किसी को कमेंट में कुछ कहा कीजिए, क्योंकि हम जो भी बात बताते हैं सच्चाई बताते हैं, झूठ एक भी नहीं बताते हैं। दोस्तों, हमें जीने का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, हमें पढ़ने का अधिकार, हमें लिखने का अधिकार, हमें सब कुछ अधिकार हमारे बाबा साहेब ने दिए हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं उन्हें। तो जो सच्चाइयाँ है वही हम बताते हैं। आप सबको अंधकार में रखा गया है, आपको सच्चाई कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मान लीजिए हम लोग जब से, मतलब हम भी पहले नहीं जानते थे, जब से जानने लगे, तर्क वितर्क सब कुछ किए, उसके बाद से गीता भी पढ़े हैं, रामायण भी पढ़े हैं, तब जाके संविधान पढ़े हैं, उसके बाद ही मतलब पढ़ने के बाद, जानने के बाद, तभी आप सबको हम कुछ मतलब बताते हैं, आप सबके बीच लाते हैं। वैसे कोई चीज़ हम नहीं बताते। आपको बुरा लगता है तो हम माफ़ी चाहते हैं, हम यही चाहते हैं आप सबको। इसलिए हम कड़वा बोली बोलते हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि आप सब कम से कम, चाहे गुस्से में चाहे प्यार से कम समझे। तो देखिए, हम अपने बाबा साहेब का फ़ोटो हर जगह, चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, हम रखते हैं। इनको अपना भगवान मानते हैं, इनको ही हम सब कुछ मानते हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि देखिए, हम भी, आप सब समझ सकते हैं, अगर मेरा वीडियो देखते होंगे, पूरा सच्चाई जानते होंगे, हम भी मतलब ऐसे माहौल से आई हूँ, ऐसे मतलब कास्ट से आई हूँ कि आप सब समझ सकते हैं कि मैं भी देवी देवता मानती थी। लेकिन जब मैंने जाना, समझा, तर्क वितर्क किया, तब जाके मैंने अपनाया बौद्ध धर्म। मैं बौद्धष्टी हो चुकी हूँ, मैं धम्म का दीक्षा ले चुकी हूँ। पहले सब कुछ जानने के बाद ही मैंने ये सब कुछ किया। तो प्लीज़, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं और नहीं भी हैं, सबके लिए मैं यही चाहती हूँ कि आप सब भी कम से कम थोड़ा सा पढ़िए, संविधान को जानिए, उसके बाद मानिए। ये नहीं, जबरियन नहीं कोई कह रहा, आप पहले मान ही लीजिए, तर्क वितर्क करिए, जानिए, उसके बाद आप मानिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।